इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहले सरकारी दौरे पर आज लाहौर आएंगे। ज़मान पार्क में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की रिहायशगाह के बाहर रकावटें खड़ी कर दी गईं, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पंजाब काबीना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हाफिज़ नदीम से। हाफिज़ नदीम बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो वज़ारत उस्मा संभालने के बाद लाहौर का पहला दौरा करेंगे और आज तकरीबन 6 बजे जो है वो यहाँ पर लाहौर पहुँचेंगे और ज़मान पार्क जो उनकी रिहाइश गया लाहौर में वहाँ पर 2 रोज़ के लिए यहाँ पर क़याम करेंगे, जबकि उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़ार और सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान जो है वो उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। लेकिन चूंकि शाम 6 बजे का वक्त है उनकी लाहौर आमद आने का, जिसकी वजह से अभी से ही उनके घर के बाहर जो है तैयारियाँ जारी हैं। पुलिस की नफरी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पुलिस की नफरी भी बढ़ती चली जा रही है। और मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं कि खारदार तारें भी जो हैं वो भी यहाँ पर लाई गई हैं, लेकिन अभी तक इनको जो है वो लगाया नहीं गया। मुकम्मल तौर पर तैयारियां जो हैं वो इनकी जानिब से भी जारी हैं, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। अलबत्ता पुलिस की नफरी जो है वो थोड़ी सी कम ज़रूर है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पुलिस की नफरी भी यहाँ पर जो है वो साथ साथ आती चली जा रही है। जबकि DSP मोहम्मद रियाज जो हैं उन्होंने अभी कुछ ही देर कबल यहाँ पर दौरा किया। और दूसरी जानिब मैं सफाई के हवाले से भी बात करूँ कि यहाँ पर सफाई के भी जो इंतजाम हैं वो भी काफ़ी बेहतर जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सफाई सुथराई के काम भी जो हैं वो उनकी जानिब से या जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से जो हैं वो सफाई सुथराई के भी काम जारी हैं। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी के अभी तक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि पुलिस की नफरी अभी इतनी मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पुलिस की नफरी भी यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ नदीम बलोच, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।